कोतवाली थाने पर बुधवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने शेरनी दस्ता को कानून का पाठ पढ़ाया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि जिले में हर थाने पर शेरनी दस्ता बनाया गया है, जिसमें 10 महिलाओं को शामिल किया गया है और हर थाने पर 4 स्कूटी दी गई है जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर ड्यूटी कर रही हैं, जिससे कि समाज की महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा सके। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि समय समय पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, ड्यूटी को अच्छे से करिए, आप लोगों को पुरुषों की जगह लेनी है, अब नबड़ी बहुत ज़्यादा हो रही लड़कियों की, हम पुरुष तो आया नहीं, अब हम लोग बातचीत करना सीखिए और डंडा के साथ जो है अच्छे से बिहेव करना सीखिए और कानून को कैसे लागू करना है ये सब सीखिए। डंडे के साथ ड्यूटी करो, बिना डंडे नहीं। इनको कुछ केसिंग करवा दीजिए जिसमें बदल दीजिए, बदलवा देंगे कहीं डंडा रखने की साइड में आगे वाला ही ठीक रहता आगे हैंडल मुड़ने में दिक्कत है भैया। सर एक पीछे बैठी रहेगी, लिए रहेगी डंडा जरूर। हेलो हेलो ठीक, और प्रैक्टिस करो, दना दंग चलाने वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए। आदमी डरे, चार स्कूटी अगर कहीं से निकले हैं तो आदमी में दहशत हो गई, 8 लड़कियाँ जा रही हैं, उनको पीट देंगे बराबर। बदल लीजिए, इनकी गाड़ी बदलवा दीजिए, गाड़ी नंबर नोट करो, इसका फोटो लो, इसको राजघाट में महिला रखी थी इसने, तो क्या चारों गाड़ी महिला दस्ता को कुछ निर्देश दिया गया? जी, हर थाने में, यहाँ सिटी की हर थाने में 4 स्कूटी और कम से कम 8-10 महिलाओं का एक दस्ता बनाया गया है, जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाकर के ड्यूटियाँ करती हैं डिफरेंट डिफरेंट समय पर, जिससे कि हमारी नारी शक्ति और जो नारी समाज है उसके अंदर सुरक्षा की भावना आ सके और अच्छे से आ सके। और इनसे हम जनरल ड्यूटी भी ले रहे हैं जो एक पुरुष कांस्टेबल से भी ली जाती है, और ये एक प्रयास है शेरनी दस्ता करके हमने इनको बनाया है। इनकी लगातार ऑन जॉब ट्रेनिंग चलाई जा रही है, जिससे कि वो आगे और अच्छे काम और अच्छे चुनौतियों का भी सामना कर सकें।